कुछ लोगों को ना वाकई इज्जत रास नहीं आती। नौशी खुद बताएगी। कब आ रहे हो? अबे ओ, फिकर मैं नहीं करती, फिकर उनको करने की जरूरत है। लगता है आ गए। चल चल फोन रख। प्यारे बब्बन। खैर, खुदा खैर करे। मामा। बब्बन। थरकी। कहाँ हुआ माँ? प्यारे। बिल्कुल भी नहीं। अरे आगे का? वजीर। सिर्फ नाम के। अब बच्ची चक्कर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पीछे बढ़ गया तुम लोग? वालेकुम। ए पागल, क्या सारा दिन तुम लोगों का खड़े होकर सलाम का जवाब ही देती रहूंगी मैं? आप मालिक मकान है? जी। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। आज हमें भी। हमें भी। ए पीछे पड़ गया यार, आप लोग क्यों परेशान कर रहे हो उसको? मेरे को भी बहुत खुशी हुई। लगता है तुम सबके सभी पागल। हम सामान रख ले। एक मिनट, उससे पहले मेरी तीन बातें कान खोल कर सुन लो। नंबर एक, किराया मुझे वक्त पर चाहिए। नंबर दो, बाहर के सारे काम मैं तुम लोगों से ही कराऊंगी, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। अब हम आ गए हैं, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, इसको अपना सगा भाई समझिए। और तीसरी शर्त? और तीसरी ये कि मुझे आपके वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। लाए साथ, वो क्या होता है? वाईफाई नहीं होता, वो जिसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। हाँ, वो दे देंगे, कोई मसला नहीं। अगर मेरी तीनों शर्तें कबूल है तो अंदर आ जाओ, नहीं तो वो खड़ी है सुजुकी, सामान डालो और चलो निकलो ऐसे, कटो। क्या करना है फिर? एक बात बताओ, आपके घर में एसी है? नहीं। हमारे घर में एसी है। क्या बकवास कर रहा है बे? इनसे पूछ लो, हम ये तो कबूल। अरे आपको पकड़, ब्रेक फेल हो गए। आओ चलो जाओ सामान लाओ। एक काम करो, अंदर अम्मा के पास जाओ। अरे जाओ सामान लाओ। अरे मैं कह रहा हूँ सामान नहीं। बस लाता हूँ। यार अम्मा कहती है, अम्मा है, मेरे को तो नहीं लगता, झूठ बोलती है। बच्ची किधर गई? घर तो इतना खास नहीं है, है? नखरे तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कोई सिरे में हेलो। और ये को देखा था आपने, बब्बन भैया को कैसे उसकी हर बात में हाँ मिला रहे थे। हाँ अच्छा याद दिलाया। और बात सुन छिचोरे, तू क्यों ऐसे उसके कदमों में लेटा जा रहा था? तेरी माँ लगती है वो? अरे अम्मा लेडीज की इज्जत कर रहा था मैं। हाँ तो मैं कोई मर्द हूँ क्या? मैं भी लेडीज हूँ, मेरे साथ तो इतनी तमीज से कभी बात नहीं की तूने। तो तू क्या चाह रही थी? मैं उसको आते लड़ना शुरू कर देता ताकि घर में घुसने से पहले वो हमें घर से बाहर निकाल देती। ए देख रही हो अम्मा, मुझे लग रहा है इनका दिल उला गया उस लड़की पे। हाँ ठीक कह रहे हो, मगर ये जानता नहीं है मुझे। क्या नाम है? सोएब मलिक। अरे भैया खैरन कहाँ हो गया? खैरन नाम है मेरा, तुझे और उस छिछोरी को ना कच्चा चबा जाऊंगी, समझ गए? लो भला बता। अरे पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी कि कोई लड़की यार मेरे बेटे को उड़ा के ले जाए। ए खैरन, ओ हम कह रहे थे कि बाथरूम में पानी ऑन ही नहीं आ रहा, कोई मालिक मकान मैडम को जाके बोलो ना। ए खैरो, काम करने के लिए जिनकी जान जाती है कैसे तैयार हो गए भागने के लिए लड़की के पीछे? है तुम ठीक कह रही हो, हम खुद ही जाकर बोलाते हैं। खबरदार जो तुम बाहर गए हो तो। अरे तुम तो इन दोनों के बाप हो, वापस ही नहीं आओगे, खड़े रहिए। ओ मेरी शरीफ बच्ची, तू जा और एक मिनट में वापस आना, समझ गया? मैं नहीं चाहती कि उस लड़की की वजह से यहाँ कोई फसाद खड़ा। आप इसको शरीफ बोल रहे हो? शरीफ बोल रहे हो? इतना बड़ा फिलट है, इतना बड़ा फिलट है, मैं कहता हूँ अगर ये गया ना तो किस नामा फसाना निकलेगा इसके नाम पे। अम्मा हमको बिल्कुल पसंद नहीं जो बब्बन भाई बोल रहे हैं। देखो मेरी बातें जेर लगती है। हाँ। तो फिर खा के मर गया दुकान के लिए तेरे में। शर्मिंदगी हो रही है बहुत ज्यादा, हम जा रहे हैं। और तू मेरा बाप है? हाँ। बाकी का कहा है? मैं तुमको कहा था शादी पे खर्चा कर लो, कम अज कम बाप तो बुरा आता हमारा, बातें करा लो कर लेंगे ये लोग। अरे 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 ये कहाँ घर में घर चला रहा है? दबे पांव, डरा दिया मुझे। अरे आपके डरने पे हमें एक शेर आ गया है। 5 बजे छुट्टी हुई, सब दफ्तर से घर गए, आप हमें देख के अचानक क्यों डर गए? वाह 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 वाह। अबे वो खुद ही शेर सुना रहा है, खुद ही वाह कर रहा है, बहुत अच्छे। अच्छी बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया बे? अरे आप ही ने तो कहा बहुत अच्छे। क्यों आए हो यहाँ, काम बोलो। ओ नीचे ना नलके में पानी नहीं आ रहा, जरा मशीन चला दीजिए। मशीन चलाने के बाद भी पानी नहीं आ रहा?
क्योंकि नीचे के नल के खराब है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया भैया। भैया किसको बोला बे? अरे हमारा आदत है। वैसे आपसे एक बात कहना चाह रहे थे, अगर आप बुरा ना माने। जल्दी बोलो। जल्दी का है को, आप साइकिल किराए पे लाए हो का? क्या का? सॉरी, हमें जरा सेंस ऑफ ह्यूमर का आदत है। काम की बात बोल। ओ जो हमारे है ना बब्बन भैया, ओ बेबी एलिफेंट, उनसे जरा बच के रहिएगा। क्यों? सही आदमी नहीं है उनका, उठक बैठक सही लोगों में नहीं है। अभी पिछले ही दिनों उनको जुए का लत लग गया था। अम्मा जान का जहेज का डिनर सेट हार गए जुए में। अब बताओ ऐसे आदमी से भला क्या ताल्लुकात रखे। गंदा खानदान। नहीं नहीं, खानदान बुरा नहीं है। अब्बा हमारे यूपी बिहार के हैं, अम्मा हमारी दिल्ली की हैं, हम खुद शायर हैं, पढ़े लिखे हैं। बस ये बब्बन भैया जो है ना, ये गंदा अंडा है, वो भी बड़ा वाला। काम की बात हो गई। हाँ तो फिर निकलो। जाएं। कटो। देख लो। जाते हैं। अरे जा रहे हैं, कहाँ हुआ? कहाँ पता नहीं, अजीब लोग हैं। सारे नल के खराब है भाई, वो तो ही कह रही है। अबे यार, अब आपको बोला किसने था कि इतनी जल्दी मुंह पे एडवांस मारने को? अब क्या पूरी जिंदगी आप लोग बाल्टी भर भर के नहाएंगे? और ऐसा आपके अंदर है क्या जो बाथरूम में निकालने जाते हो बार बार? इका हो गया, इसमें कौन सा बुरी बात है? तुम सुने ना हो, मेहनत में अजमत है। अजमत पे याद आया, अरे अली अजमत ने गाना छोड़ दिया क्या? अरे शुक्र करे वो नहीं गा रहा, ससरा गाता कम है, चीखता बहुत ज्यादा है। यार आप लोग को क्या पता है पॉप म्यूजिक के बारे में? वो नहीं होता कि दरवाजे में उंगली आ जाए तो बंदा चीख रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह होता है। ये है तुम्हारा पॉप म्यूजिक। अगर तुम लोगों का फालतू का बकवास बंद हो गया तो हम एक अहम बात बताना चाहता हूँ। अहम बात? अहम बात? अहम बात? हमका भूख लग रही है। और अहम बात यही थी। लानत है। अब्बा जो है ना भारतीय ड्रामों की तरह बिल्कुल ऐसा हो गए हैं, बोलते रहते हैं सस्पेंस बना के, अंदर कुछ नहीं निकलता। अबे अब्बा यार कम ड्रामे देखा करो, आप भी उनकी तरह सास बहू बनते जा रहे हो दिन ब दिन। ए बब्बन, बहुत बदतमीज होते जा रहे हो, ए बाल्टी खींच के मारेंगे तुमको। मना किया है तुमको, नहीं उठाया करो, ना उतर जाएगा। बाप से बात करने का तमीज ना है तुमको? अरे यार अब्बा नाराज नहीं हो, ये भी जान से मार दूंगा मैं आपको। चलो किचन में देखें खाने पकाने का कुछ है या नहीं। अरे अब्बा होगा किसी के घर में ये। चल ए अब्बा से तमीज से बात क्या करो, तुमको मना किया नहीं क्या करो, सचमुच मार देगा। जाओ अपना काम करो जो कर। और हाँ, हमारा बनियान भी धोना, चलो। कहाँ फंस गए इस कार में? ए जल क्यों नहीं रहा? बब्बन, ए बब्बन। अम्मा आके देख क्या मौत पड़ गई इन चूल्हों को, जल ही नहीं रहे। गैस का मसला है। गैस का मसला हो गया तुझे? जा पर्स में बहुत अच्छा सा चूरन पड़ा है, खा ले ऐसा आला। अरे अम्मा चूल्हे की गैस की बात कर रहा हूँ जो पाइप में आती है, गैस नहीं आ रही, चूल्हा नहीं जल रहा है। क्या उस महारानी से जाके कह दे कि चूल्हों में गैस भी नहीं आ रही। अरे वैसे माँ मालिक मकान कितनी हसीन है। चुप कर जा। मैं यूं गया और आधे पौने घंटे में मैं आया। ये क्या बकवास है? अरे महावरा तो है कि यूं गया और यूं आया, ये आधा घंटा और पौना घंटा कहाँ से आ गया? अरे अम्मा अच्छा थोड़ी लगेगा, वो चाय पानी के लिए बिठा ले, मैं उसको छोड़ के आ जाओ। तू एक मिनट में जा और आधे मिनट में वापस आ, समझा? हाँ चलो ठीक है, मैं एक मिनट में गया और एक मिनट में आया, लेकिन उस दौरान मेरी अगर घड़ी रुक गई ना तो मेरे एक मिनट में भरोसा नहीं रखना आप, ठीक है? चप्पल लेके आऊंगी, याद रखना। जा जा रहा हूँ मैं। चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम। अबे ओ क्या हो गया नशी, आप बहुत अच्छा डांस करती हो यार। अबे क्या बकवास कर रहा है बे?
मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डांस करोगी तो बहुत अच्छी लगोगी, लेकिन डांस करना कोई शरीफ लड़कियों का काम तो नहीं है, तो आप क्यों करोगे? तुम सब पागल हो क्या? नहीं नौशी, हम दो तीन लोग पहले ठीक थे, इन गर्मियों में हमारा दिमाग भी शार्ट हो गया। ये क्या ऑल फॉल बोले जा रहा है बे? नौशी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया था कि घर में गैस नहीं आ रही है। नौशी, वो तो दो महीने से ही नहीं आ रही। नौशी क्यों? वो इसलिए कि पिछले किराएदारों ने उसका बिल नहीं भरा तो दो महीने से कट गई। नौशी, तो फिर अब हम क्या करें? करना क्या, जाओ जाके बिल भरो दो महीने का, गैस बहाल हो जाएगी। वैसे ये घर आप ही का ये ना नौशी? हाँ, क्यों? पक्की बात है? कहना क्या चाहता? वैसे नौशी, जो इस घर की माशाल्लाह से इतनी खस्ता हालत है, ऐसा लग रहा है कि आपने खरीदा तो नहीं होगा, वालिद साहब ने गन पॉइंट पे कब्जा ही किया होगा इस घर पे। ओए, ज्यादा फ्री होने की ना जरूरत नहीं है, सब कुछ पता है मुझे तुम्हारे बारे में। जुआरी कहीं का? क्या मैं जुआरी? हाँ, तो क्या मैं? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया, वो आया था ना, वो फटीचर थर्ड क्लास शायर। क्या बोल रहा है मेरे बारे में प्यारा? वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहा था, पर मैंने इतना ही सुना कि तुमने तुम्हारी अम्मी के जहेज का सामान जुए में हार दिया। झूठ बोल रहा है साला, हमारी अम्मा की जहेज में तो कुछ भी नहीं आता सिवाय हमारे वालिद साहब के। वो हमारी नानी के जहेज का सामान था और नानी को फोत हुए 10 साल हो गए। अब बताओ, नानी के कबर के ऊपर जो सलेट रखी थी वो नहीं बची तो नानी के जहेज का हम क्या करते? अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। अच्छा सुनो, वो गली के कोने से मेरे लिए जरा अंडे वाला बर्गर तो ला दो। हाँ नौशी, क्यों नहीं? मैं तो मैं ये पूछने आई थी कि अगर आपको भूख लग रही है तो मैं कुछ ला दो खाने के लिए। चल झूठा, ये ले, ये लो, सॉरी बर्गर ला दो। एक मिनट, एक बर्गर लिया ना, और बाकी के जो पैसे बचे उसमें से इजी लोड करवा दो। नंबर तो दे, ये लो नंबर, ये मेरा नंबर है, देहान से इस पे इजी लोड कराना, और कराने के बाद मिस कॉल मार देना मुझे। ये आपका नंबर है? जाहिर सी बात, मेरा ही नंबर है। पक्की बात? जा सोच लो। पागल कर, ए खुदा, बहुत अजीब है यार। बब्बन, क्या हुआ? क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं अम्मा, वो मेरे हाथ से कुछ गिरा था। अच्छा, पूछ के आया, क्या कह रही है? हाँ, वो कह रही है एक अंडे वाला बर्गर और केचप थोड़ी ज्यादा हो। तेरा सतिया नास हो, मैंने तुझे गैस का पूछने के लिए भेजा था, तूने चक्रियां शुरू कर दी। मैंने गैस का पूछा है उससे, वो कह रही है गैस तो पिछले 2 महीने से नहीं आ रही है, वो बिल भरना पड़ेगा 2 महीने का, फिर गैस आएगी। तो फिर कौन भरेगा वो बिल? हम भरेंगे, और कौन भरेगा? हम क्यों भरेंगे? तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे आज ही आए, हमारे पास कोई हराम के पैसे हैं क्या? अरे अम्मा, गैस के बिल के लिए हराम के पैसे होना जरूरी नहीं है, हलाल के पैसों से भी भर सकते हैं हम लोग बिल। कैसी बातें कर रही हो? जाके उससे कहे चालाक लोमड़ी से, बेटी हुकुम चला रही है, हम नहीं भरेंगे बिल। अच्छा, अरे अम्मा चालाक लोमड़ी तो ना कहो, इतनी प्यारी लड़की है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उसके पीछे पड़ गई उस बेचारी के? बेचारी कहाँ की बेचारी है, वो लंगड़ी है, लूली है, काणी है, काहे की बेचारी हो गई? देखा अम्मा देखा, अब तेरे को और कुछ नहीं मिला ना बोलने को, तो तू यही कह रही है और चिरांदे बचा रही है इधर। आए मेरे अल्लाह, बब्बन तुझे क्या हो जाता है, एक मिनट में लगता है कुछ फूंक के खिला दिया तुझे। अम्मा तेरा यही मसला है, जब भी मैं हक की बात करता ना, तुझे ऐसा लगता है किसने कुछ पढ़ के फूंक के मुझे खिला दिया है। कौन से हक की बात? बस अम्मा बस, मैं तुझसे बेस नहीं कर सकता, तेरी बेस की वजह से ना पिछली मासी भी हमारी मर गई थी। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा अंडे वाला बर्गर। तेरा सत्यानाश जाए, मुझे तो लगता है ये लड़का गया हाथ से। हम तो पहले कह रहे थे या बब्बन भैया के लक्षण ठीक नहीं है। कैसे दौड़ दौड़ के गया है, कभी मेरे कहने पे ऐसे भाग भाग के काम किया उसने जो उसके एक बुलाने पे भागा है मनहूस। भाई हमें तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही, अगर बब्बन उस लड़की की मदद कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। अरे तुम तो चुप रहो वजीर अहमद, तुमने पता नहीं किस जहन्नम में लाके हमें झोंक दिया है, जहाँ ना पानी है ना गैस है, बिजली भी नहीं है, हमने स्विच बोर्ड में उंगली डालकर देखा है ठंडा पड़ा है, करंट वरंट नाम की कोई चीज नहीं है। या अल्लाह, क्या जुल्म किया है तुमने वजीर अहमद, अरे काहे को लाके हमें यहाँ झोंक दिया? हमने सोचा इस लड़की की मदद हो जाएगी इसी बहाने। ई आदत जो है ना बब्बन भैया में अब्बा से आई है, जहाँ अकेली लड़की देखी मदद का समंदर ठाटे मारने लगता है ठाटे। ये प्यारे चांटा मार देंगे जो बदतमीजी किया हो तुम। अरे ठीक कह रहे, दुनिया की सारी औरतें ना अपनी बीवी के अलावा तुम्हें मजलूम ही लगती है।
हाँ तो मजलूमों की मदद करना तो अच्छी बात है ना। ये जो अस्मा जहांगीर तुम्हारे अंदर उबल रही है ना, यही हम सबको जहन्नम में लेके जाएगी। मजलूमों के साथी भाई, हम तो जा रहे हैं खुली फिजा में, हमारा दम घुट रहा है इधर, शायद बाहर जो है ना एक शेर की आमद हो जाए। हटो अब्बा, टांगे खोल के बैठो, गिठा लग जाएगी। हाँ, खुली फिजा। भाई वाह, क्या कहने है भाई, वाह वाह। क्या कहने? ये हम पूछ रहे थे भाई, इंसान का अपना कोई इज्जत विज्जत भी होता है कि नहीं? तुम्हारी तरह का इंसान हो ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती वैसे। देखो बब्बन भैया, ये जो आप हमारे टैलेंट से जलते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। वो बात नहीं सुने का, जलने वाले का मुख काला। तुमसे किस बात की असर रखनी है? ऐसा क्या टैलेंट है तुम में? नाक से गुब्बारे फुलाते हो, बालों से टीरा खींचते हो, क्या करते हो तुम, ऐसा मुझे बताओ। आप समझे नहीं, हम अपना शायरी का बात कर रहे थे। देखो इस टैलेंट से आप हसद करते हो ना, ये ठीक बात नहीं। आपको पता है आपकी शायरी जो है ना ट्रक के पीछे लिखी होती है, वो भी आधी मीठी भी। अच्छा अभी कहाँ जा रहे थे? मैं नौशी के पास जा रहे। और वैसे तूने जो मेरे खिलाफ उसके सामने जेर उगला है ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे ये बात। अरे बब्बन भैया एक बात बताएं, कोई मसला नहीं है के सस्ती चीजों की आदत तो हमें भी नहीं है ना। अच्छा, जो लोग इतवार बाजार से 0 मीटर चीजें खरीदते वो मुझे महंगे और सस्ते का फर्क बताएंगे? बकवास कर रहे हैं। चलिए चलिए शाबाश, नोशी डाल ले, बर्गर ले आया हूं मैं डबल बोटी मार के। क्या जाग रहे हो? वो देख रहा था कि कुंडी सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, कुंडी। हाँ नोशी डाल ले। अम्मा, ऐसा कमाल का ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ हम। क्या ब्रेकिंग न्यूज? ये बब्बन भैया उस लड़की के लिए बन कबाब लेकर आए हैं। है? क्या मतलब? हाँ अब खुद ही बताओ, वो लड़की 2 बन कबाब खा सकती है का? नहीं। तो फिर सोचो दूसरा बन कबाब किसका? अब बेगैरत बेशरम कहीं का, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, वो वहाँ पार्टियां कर रहा है। आओ आ जल्दी आइए, खबर रख के दीजिएगा, रख के। नौशी। अरे तुम आ गए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है नौशी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा चलो, अच्छा है मेरे काम को अगर अपना फर्ज समझ के करोगे तो मेरे लिए तो और अच्छा। वैसे नौशी मैं ना 2 बर्गर लेके आया हूँ, ताकि अगर आप बोर हो ना तो मैं भी आपके साथ दूसरा बर्गर खा लूँ। वैसे मुझे भूख नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर अगर आप कहोगे तो मैं बर्गर खा लूँगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं ना अजनबी लड़कों के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती, लेकिन अब तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर ही दिया है तो बैठो। वाह वाह वाह, बैठो। अच्छा बब्बन, ए बब्बन। अम्मा तू क्या कर रही है? अम्मा लंच कर रही है, और क्या कर रही है? तू पीछे पड़ गई हो मेरे, शर्म नहीं आती तुझे? है बात आराम से भी हो सकती है ना, शोर मचाने की क्या जरूरत है? ए बात आराम से, खबरदार जो तू मेरे और मेरे बेटे के बीच में बोली है तू। अम्मा इसे उंगली दिखा के बात नहीं करो, उसे नाम है उसका नौशी, बोलो नौशी। अम्मा कितना प्यारा नाम है। ओ चल चल यहाँ से, और तू सिगरेट नौशी? सिगरेट नौशी, और जो भी है तू एक बात कान खोल के सुन ले, मैं इस खंडर के 10,000 रुपए नहीं दूंगी। शादी में आई हो क्या? तुम्हारा शोहर खुद तय करके गया, 15,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। शादी में आई हो क्या? अरे वो तो पागल है। अरे पागल है तो पागल खाने में छोड़ो, खुद ला के छोड़ा है। ये किसका बात हो रहा है? तुम्हारे अब्बा हुजूर का। तुम हमारे अब्बा को पागल बोल रहे हो? हाँ ठीक बोल रहे हो, पड़ोसी जो बोलते हम तो डेरा में बोल भी नहीं सकते। बस अब हम ये घर खाली करेंगे, पहली फुर्सत में खाली कर दो, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे किराएदार की। मैंने फैसला कर लिया है, हम लोग इस घर से जाएंगे। अरे अम्मा, अम्मा हमेशा इस प्यारी की वजह से ना आप मेरे को डांटना, मेरे को जलील करना, मेरा कॉन्फिडेंस जमीन में गिरा देना, मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने। साइको। वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ सारा मोहल्ला करता है। मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ डेडू शेर,